भर में बड़े पैमाने में माइनॉरिटीज का वोटिंग लिस्ट में से नाम निकाला गया है। वोट आपका अधिकार है, वोट आपकी ताकत है, लेकिन ये बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। बहरहाल जिस दिन आप वोट डालने के लिए जाओगे, वोटिंग आई कार्ड आपके पॉकेट में होगा, वोटिंग आई कार्ड आपके घर में होगा, आपको गलत फेम ऐसा भी होगा वोटिंग कार्ड है तो वोटिंग लिस्ट में से नाम है। लेकिन जिस तरह जो देश के जो फ़िरका पर जो ताकतें हैं, ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटीज़ का बड़े पैमाने पे इन्होंने नाम डिलीट कर दिया है, इसे किस तरह हमें अपना अमल पे लाना है, किस तरह लोगों के बीच में समझाना है, इसे कुछ तरीका है ऐप के माध्यम से आपको लोगों को बता सकते हैं और मैन्युअली भी जाके आपके विभाग के इलेक्ट्रोल रोल ऑफिसर से भी मिल सकते हैं। हमें उस तरह आपको मैं कुछ चीज़ आपके सामने रखूँगा, उस चीज़ को आप गुजारिश है इस चीज़ को अच्छे से समझे। आप भी आपके घर, आपके मोहल्ले, आपके इलाके में इस ऐप को चेक कीजिए और औरों को भी समझाइए। जिस तरह जो आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसको आपको इस्तेमाल करना है, गूगल सर्च में जाना है, गूगल सर्च में जब जाते हो फिर आपको चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर महाराष्ट्र आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा, फिर आपको क्लिक करना है, फिर आपको एक ऑप्शन में आपको जाना है वोटर सर्च। वोटर सर्च जब जैसे कि आपके डिस्प्ले में आएगा फिर आपको क्लिक करना है एक नेम वाइज एक आईडी वाइज में जाना है, जिसके पास आईडी कार्ड है आईडी वाइज में उसको क्लिक करना है, फिर आपको दिखाई देगा डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट। जो आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या मुंबई शहर या मुंबई उपनगर या उसके अलावा कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट हो अगर उसको सेलेक्ट करना है, फिर आपको आपका आईडी नंबर जो 10 डिजिट का जो आईडी नंबर उसमें आपको पहला जो बॉक्स है उसमें आपको पुट करना है, यानी कि उसको टाइप करना है। उसके बाद में सेकंड आपको कुछ डिजिट दिखाई देगा, कुछ नंबर दिखाई देगा, वो दोनों नंबर को आपको प्लेस करके फिर आपको नीचे के सेकंड जो ब्रैकेट में आपको सेकंड जो कॉलम में आपको डालना है, फिर आपको नीचे सर्च करते हो तो आपका जो डिस्प्ले में आपका वोटिंग कार्ड वैलिड है या नहीं है वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले में दिखाई देगा। फिर आगे आपको जिस तरह आपको जैसे कि आपका वोटिंग लिस्ट में नाम निकाला गया हो, इमिडिएटली आपको 6 नंबर फॉर्म आपको भरना है। 6 नंबर फॉर्म भी भर के आपको उस तरीके से ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के अलावा जो मैनुअली जो आपके जो क्षेत्र के आपके जो विभाग के जो आपके जो तालुका के जो असेंबली के जो इलेक्शन रोल ऑफिसर है उसको आपको मिलना है। आपको जिस तरह जो 6 नंबर फॉर्म भर के आपको नए तरीके से आपको वोटिंग लिस्ट में से नाम डालना होगा। क्योंकि साथियों इस बात को आप ध्यान दें, इस बात को आप गौर करें, 31 अक्टूबर 2018 यानी कि सिर्फ 13 दिन हमारे पास है, उसके आगे आपको किसी भी प्रकार से आप वोटिंग लिस्ट में से नाम नहीं डाल सकते। इसके लिए ख़ास तौर पर आपको सभी लोगों से अपील है, सिर्फ हमारे पास 13 दिन बचा है, आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें और इस बात को लोगों के तक पहुँचाएं। समाज सेवक हो गया या अलग अलग संस्था के जो प्रमुख तक इस बात को पहुँचाएं और जो इस बात को इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर